अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में शमूलियत दावत दी गई है वैकेंसी के हवाले से। जी हाँ, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ेकार क्या होगा, क्या सिंध के लिए भी कोटा है, क्या फेडरल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उनके लिए भी एक मखसूस कोटा रखी गई है। मैं आपको पूरी एडवर्टाइज का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और जो है उम्र की हद क्या होगी, तालीमी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तमाम चीज़ें मालूम करते हैं इसी वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब गाजी रोड लाहौर में बतौर सब इंस्पेक्टर और नाइक जनरल ड्यूटी सिविल व सबका फौजियों के लिए जेल के मुताबिक महदूद असामियाँ खाली हैं जिनकी तकर्री की जाएगी। जी हाँ, वो कौन सी वैकेंसी हैं? सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी VPS 12, नायक जनरल ड्यूटी 7 बशमूल राशन अलाउंस और तमाम मराद गवर्नमेंट के मंजूर शुदा वफाकी हुकूमत से दिए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो राशन वगैरह होंगे, जो भी मराद होंगे वो आपको दिए जाएंगे। जी हाँ, मेरिट का कोटा जो है, मेरिट 7.5% होगी, 50% पंजाब बशमूल फेडरल एरिया, 50% होगी सिंध शहरी, 7.6% होगी और सिंध देही 1.4% होगी। तमाम वैकेंसियों में खैबर पख्तूनख्वा में नए शामिल होने वाले अजला साबिका फाटा 3%, गिलगित बल्तिस्तान 1% और आजाद कश्मीर के लिए 2% है। नोट, अकलियती कोटा 5% मुख्तस है, यानी कि अकलियत लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए इनके यहाँ सीटें मुख्तस हैं। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी कम अज कम एफ ए, तालीमी मयार तो कम अज कम एफ ए या उससे ज्यादा वालों को तरजीह दी जाएगी। नायक जनरल ड्यूटी कम अज कम मैट्रिक या ज्यादा तालीम याफ्ता लोगों को तरजीह दी जाएगी। जी, अब रजिस्ट्रेशन का मरला है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी और उम्र का मरला है। जी, उम्र के बारे में मालूम करते हैं। उम्र बराए सिविल उम्मीदवारों के लिए 1 जून 2022 तक 18 से 30 साल से ज्यादा ना हो और उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया जाएगा। उम्र में गवर्नमेंट की तरफ से दी गई 5 साल रैत भी इसमें शामिल है, यानी कि 30 साल, 35 नहीं 30 साल। तालीमी मयार और उम्र बराए साबका फौजियों के लिए, तालीमी मयार और क्वालिफिकेशन के मुताबिक उम्र 1 जून 2022 तक मुरूजा कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जिस्मानी मयार क्या होगा? जिस्मानी मयार यानी कि फिजिकल टेस्ट में पास होने के लिए या अप्लाई करने के लिए वो लोग अहल होंगे जिनका कद कम अज कम 5 फुट 6 इंच होगा और छाती 33 1/2 फैलाव होगी। वजन जो है 121 पाउंड कम अज कम तिब्बी कानून के मुताबिक ज्यादा काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी शौहरत रखने वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड करवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मुताबिक सिर्फ मुंतखब उम्मीदवारों को बराए इब्तदाई तिब्बी मुआयना, जिस्मानी तहरीकी इम्तिहान और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तमाम आने वाले उम्मीदवारों को कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। हतमी तौर पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को बुनियादी ट्रेनिंग पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी मंडी भाउद्दीन में हासिल करना होगी। रेंजर्स में भर्ती मेरिट की बुनियाद पर होती है। फाइनल सिलेक्शन का अख्तियार डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब को है, लिहाजा इस सिलसिले में किसी रेंजर्स मुलाजिम या सिविल शख्स से रब्ता ना करें। भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों को कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, इनका जो है सिलसिला है कि जी जो भी उम्मीदवार आएंगे तो उनको कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मालूम करेंगे। कल 24 तारीख है, 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का मुकम्मल तरीक़ेकार आपको बताऊँगा। अगर आपको एडवर्टाइज में समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको फौरन जवाब दूंगा कमेंट्स में और इसके बारे में तमाम तरह गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी। सो ये एडवर्टाइज है, इसमें तमाम जो है सूबों की कोटा मुख्तस की गई है और तमाम सूबों की कोटा ये आपके सामने ही है। मेरिट पर 7.5% है, जैसे इसी तरह तमाम की कोटा मौजूद है। एडवर्टाइज के लिए मेरा फेसबुक पेज विजिट करें या फिर आप जो है मुझे कमेंट्स करें और कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार बताऊंगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसके बाद मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा आपको। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।